थोड़ा हंसा करो, हंसो थोड़ा। अब तो ना आदमी का हंसने आ रहा है ना रोने आ रहा है क्या? अब तो बेटियों की पहले सुनो बेटा, पहले हमारी बहनों की विदाई करते थे तो बेटियां रोती थी, माँ चुप कराया करती थी। अब माँ रो रही, बेटियां चुप कराए, माँ रुक जा, चुप रहो थोड़ा। इसलिए दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना है? बिल्कुल मत लेना, जिंदगी का सबसे कलंक है। कितना भी कुकर्म करो और दहेज ले लेगा तो सबसे बड़ा कुकर्म होगा। इसलिए दहेज नहीं लेना है, और हमारे साथ जो बेटियां पढ़ती हैं उसको अपनी बहन मानना है। क्या मानना है? तब बदल, तब संभल पाओगे। क्या मानना है? सुनो बेटा, इधर साथ में पढ़ने वाले बेटियों को अपनी बहन की तरह मानना है, और बेटियों को अपने जो भाई पढ़ते हैं उसको भाई की तरह। तो ये पूरे सात्विक तरीका से जब पढ़ाई होती है तब आपका जीवन सुधर पाएगा। इसलिए कहा पूछे क्लास के है, चरित्र पर भी हमें चर्चा करनी है। लड़कों की दोस्ती लड़कियों से होनी चाहिए कि लड़कों से? लड़कियों की दोस्ती, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम होड़ मचा है चारों तरफ, पेपर रोज देखो। इसे संस्कार बदलेगा कि खराब होगा? खराब होगा। है लड़का, अरे हंसने की चीज बता रहे हैं, ये समाज का ये कलंक बता रहे हैं, तुम हंस रहे हो। इससे समाज हमारा खराब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खराब हो रहा है? बहन हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बेटी हमारी भी और आपकी भी हो सकती है। अब वो बेटी जब पढ़ने जाती है रास्ते से गायब हो रही है, उसको कोई ले जाके दूसरे देशों में बेच रहा है, उसको घिनौने कामों में लगाया जाता है, तो उससे हमारा समाज बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो हम सबको आगे उठना होगा और सबका चरित्र बढ़िया होना चाहिए, समझ गए? इसलिए जो व्यक्ति का चरित्र बढ़िया है वो बहुत आगे बढ़ेगा, नहीं तो उधर ही लटपटा के मर जाएगा। देख रहे हैं आजकल ना, कोई रेल से कट रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सातवें आठवें पढ़ने वाले। उल्टा सीधा काम मत करना है आप लोगों को। यदि किसी से हुआ भी है तो सूरज भगवान को प्रणाम करो कि हे भगवान हमको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, कि ताकि आज के बाद हम कोई बुरा काम ना करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत कभी देखे कहीं पर है? भारत भारत हम ही लोग हैं। भारत कौन है? ऐसा नहीं कि भारत खोजते रह गए एक आदमी जिंदगी भर, उसको कहीं नहीं मिला। कहीं पेड़ दिखा, कहीं स्कूल दिखा, कहीं रोड दिखा, कहीं नाली दिखा, कहीं नाला दिखा, लेकिन भारत कहीं नहीं दिखा। तो सब मिला करके क्या है? भारत। इसलिए सबसे प्रेम करना है, ठीक है? तो आइए हम अगला अभ्यास बताते हैं। सभी सीधे बैठिए, अभी झुके हुए थे आप लोग, तभी ना सीधा हुए हैं। झुकना कभी नहीं है, जब भी मैं बोलूं तो उसी तरह स्टैंड रखना है। अब हम आपको भ्रामरी प्राणायाम बताएंगे। भ्रामरी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, ये दिमाग को एकदम दुरुस्त कर देता है। क्या कर देगा? हाँ, दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे रखना है। ये कान का ढक्कन कभी काम आया आप लोगों का आज तक? नहीं आया है। ये इसीलिए बनाया गया था भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए, इसलिए कि पहले के लोग सब किया करते थे। अब दोनों कान को इसको बंद करिए, ऐसे इससे बंद हो गया। बंद करने का मतलब यही है कि बाहर की आवाज अंदर ना जाए, ठीक है? और अंदर जो हम भौरा जैसा गुंजन करेंगे वो हमें सुनाई पड़े, अपने को सुनना है। दोनों एक बार देख लीजिएगा तब आपसे करवाएंगे। दोनों अंगूठा से कान बंद कर लिए। तर्जनी को ललाट के बीच में रखते हैं, यहाँ पर आज्य चक्र होता है, यह अष्ट चक्रों का एक अलग विधान है, उसके बारे में भी कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। अब तीनों उंगली को मोड़ करके और आँखों के बीच में ऐसे रखेंगे, यहाँ पर मुंह बंद करिएगा। देख लीजिए, पहले सांस भरेंगे और सांस भर के भौरा जैसा गुंजन करना है। करिए तीन बार।
बंद रखिए, हाथ नीचे करिए घुटना पर और तीन बार ओम का उच्चारण करिए। ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़िए आपस में, हथेली को पूरा रगड़िए, रगड़िएगा तो हथेली गर्म होने लगेगी। अब गर्म हथेली को आंखों पर मालिश करिए, मुख मंडल पर, और शरीर को एक बार स्पर्श करिए, और शरीर को स्पर्श करते हुए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए।